सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज हम बनाएंगे चॉकलेट के कुछ ऐसे डिज़ाइन जिन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इस डिज़ाइन से अपने केक को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस चॉकलेट के डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट के बोल्स बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिल्क कंपाउंड चॉकलेट और लेंगे थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप चाहे तो यहाँ पर केवल डार्क कंपाउंड चॉकलेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मॉडी ब्रांड की चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस चॉकलेट को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के बेस्ट रेट के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। इन चॉकलेट बोल्स को बनाने के लिए हमें यहाँ पर किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस चॉकलेट को हम बनाएंगे बगैर मोल्ड के। और इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बलून्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी बड़े आप चॉकलेट के बोल बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बलून्स के अंदर एयर को फिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बलून लिए हैं। आप देख सकते हैं किसी में मैंने ज़्यादा एयर फिल की है और किसी में बहुत कम एयर फिल की है। यानी कि आप जिस भी साइज़ का बोल बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इस बोल का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग डेजर्ट्स को सर्व करने के लिए करते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो चलिए चॉकलेट वाले बोल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। आज मैं इसे गैस पर मेल्ट करने वाली हूँ, वो भी डबल बॉयलर प्रोसेस से। तो चलिए इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। इसे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इसे मेल्ट करने में थोड़ी आसानी हो। इस चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे गैस के ऊपर रखेंगे। गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। पानी यहाँ पर हल्का बॉयल होने लगे तो हम गैस फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देंगे। पानी यहाँ पर हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है, अब हम गैस फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देंगे और अब हम इस चॉकलेट वाले बोल को इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद इस चॉकलेट को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप इस चॉकलेट को डायरेक्ट फ्लेम पर मेल्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये जल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉकलेट हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। इसे हम ऐसे चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसे कैसे माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं उसे भी मैंने पहले बताया है। आपको इसे मेल्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस इजी लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट यहाँ पर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। मिल्क कंपाउंड ऐड करने से यहाँ पर टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही परफेक्ट आता है, इसलिए मैं दोनों चॉकलेट का यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप यहाँ पर केवल डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम इस चॉकलेट को हल्का ठंडा कर लेंगे, नहीं हमारे बलून्स यहाँ पर फट सकते हैं। चॉकलेट यहाँ पर थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट में इस बलून को डिप करेंगे। अच्छे से इसे कोट कर लेना है हमें। आप देख सकते हैं इस बलून में चॉकलेट की कोटिंग हो गई है और इसी तरह बाकी बलून को भी ऐसे डिप करके चॉकलेट में कोट कर लेंगे। इसे आप थोड़ी देर या तो ऐसे ही होल्ड किए रहें या फिर इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, इससे ये सेट हो जाएगी। और इसके बाद इस चॉकलेट बोल को बलून को फोल्ड करके हम बाहर निकाल लेंगे। इसे ऐसे आप बटर पेपर के ऊपर रख दें ताकि इससे चॉकलेट बहुत ही आसानी से बाहर निकल आए। और इसी तरह हम दूसरे बलून को भी चॉकलेट से कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूसरे बलून को भी अच्छे से यहाँ पर चॉकलेट से कोट कर दिया है। आप ऐसे ही जितने भी चाहें आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बलून को थोड़ी देर ऐसे हवा में कर लें, इसे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो नीचे गिर जाएगी। और अब हम इसे बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। अब हमें इस चॉकलेट के जमने तक इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और जब ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी तो हम इस बलून को प्रिक करके फोल्ड देंगे और ये हमारी चॉकलेट यहाँ पर अच्छे से सेट हो गई है। और आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट ने इस बलून का शेप ले लिया है, यानी कि हमारे जो चॉकलेट वाले बोल्स हैं वो बनकर तैयार हैं। अब हम इस बलून को नीडल की हेल्प से इसे प्रिक करेंगे।
और इस बलून के टुकड़े को बाहर निकाल लेंगे और इस बलून को प्रिक करते ही आप देख सकते हैं इसकी एयर धीरे धीरे बाहर निकल रही है और जो हमारा चॉकलेट का बोल है वो बलून से धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है। कुछ ही सेकंड बाद आप देखेंगे कि हमारा चॉकलेट बोल और बलून दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे। मैंने इस बलून को प्रिक करने के लिए बहुत ही बारीक नीडल का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस बलून की जो एयर है वो धीरे धीरे निकल रही है। अगर हम इस बलून को एकदम से फोड़ेंगे तो हमारे चॉकलेट का बोल भी फूटने का डर रहता है, इसलिए आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। इससे आपका चॉकलेट बोल बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बलून का साइज़ जो है बहुत ही छोटा हो गया है। मैं इस बलून और चॉकलेट बोल को अलग सेपरेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब हम इस बलून को ऐसे खींच कर चॉकलेट से अलग कर देंगे और ये हमारा छोटे साइज का चॉकलेट बोल भी बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह आप छोटे और बड़े चॉकलेट के बोल तैयार कर सकते हैं। आप ये बोल व्हाइट चॉकलेट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये हमारे चॉकलेट के बोल्स तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस बोल को बनाने में किसी भी मोल्ड की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत ही आसानी से मैंने इसे प्रिपेयर भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बोल दिख रहा है। आप इससे किसी भी डेजर्ट को सर्व करने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इससे केक को डेकोरेट करने में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आपको ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चॉकलेट बोल से कैसे आप डेजर्ट बना सकते हैं और कैसे अपनी रेसिपी को आपको प्रेजेंट करना है जो कि देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। इस बोल में आप आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अक्सर लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है सुपर शिवानी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवानी सुपर। तो मुझे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।